युवा कांग्रेस बिलासपुर की बैठक प्रीति गृह बिलासपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर ने की। बैठक के तुरंत पश्चात प्रीति गृह बिलासपुर से जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर तक युवाओं द्वारा रैली निकाली गई। रैली में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर रोष निकाला गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए युवा नेता आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार त्यून सरयून धार के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और वोट बैंक के नाम पर छलावा कर रही है। उन्होंने कहा कि 1988 से लेकर आज तक धार के लोग अपनी मुख्य समस्या उप तहसील के लिए मांग करते आए हैं, पर किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की है। आशीष ठाकुर ने कहा कि लोगों को आज भी तहसील के कार्य करवाने के लिए घुमारवीं जाना पड़ता है। घुमारवीं इस क्षेत्र से 30 से 35 किलोमीटर पड़ती है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। युवा नेता ने बताया कि धार के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं। पिछले लगभग 4 महीने पहले धार का एक प्रतिनिधि मंडल उनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला था। उसमें जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर व सदर विधायक सुभाष ठाकुर भी वहाँ मौजूद थे। उस समय धार के लोगों ने अपनी उप तहसील की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी और मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन किया था कि जनगणना खत्म होने के बाद यानी कि मार्च 2021 के बाद ही वो प्रदेश में नई तहसील उप तहसील नए पटवार वृत्त खोलेंगे। और उनकी समझ से परे है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने नावर क्षेत्र जिसके अधीन 8 पंचायतें आती हैं वहां पर तहसील खोल दी। आशीष ठाकुर ने मुख्यमंत्री से पूछा कि वो इस दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं। धरने के बाद युवा नेता की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल एसी और डीसी सिद्धार्थ आचार्य से मिला। उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि धार में हरलोक केंद्र बिंदु पड़ता है और जल्द से जल्द हरलोक को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, अन्यथा धार की जनता के साथ मिलकर एक उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। हमने बिलासपुर युवा कांग्रेस के माध्यम से एक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का जो मुख्य बिंदु है वह हरलोक उप तहसील है। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि पिछले कई सालों से हरलोक को सब तहसील का दर्जा दिलवाने के लिए हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में लगभग 4 महीने पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी बिलासपुर प्रीति गृह आए थे और क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर हमने अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया। उस समय जो आईपीएच मिनिस्टर हैं श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, साथ के साथ स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर जी भी वहाँ मौजूद थे। तो जब हमने अपनी समस्या मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी तो उन्होंने हमारी समस्या को सुना और उनकी तरफ से हमें जवाब मिला कि जब तक देश के अंदर जनगणना चल रही है यानी कि मार्च 2021 तक, तब तक प्रदेश के अंदर ना तो कोई नई तहसील, ना कोई नई सब तहसील, ना ही कोई पटवार वृत्त की स्वीकृति प्रदेश सरकार की तरफ से होगी। पर पिछले कल समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि शिमला के ठियोग उपमंडल के नावर क्षेत्र की जहां पर 8 पंचायतें पड़ती हैं उसे तहसील का दर्जा दे दिया गया। आज हम मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं कि आप अपनी बात पर क्यों अड़िग नहीं रहे और साथ के साथ हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग रहेगी कि जो हमारा क्षेत्र है, जो भी उप तहसील के लिए जो मापदंड प्रदेश सरकार ने तय किए हैं उसको पूर्ण करता है तो जल्द से जल्द हमारे हर लोग को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, अन्यथा क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा और इसकी जो जिम्मेवारी होगी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की रहेगी।